मेरे मामा मामी एक्सीडेंट में मर गए तो उनकी बेटी आरुही हमारे साथ रहने लगी। जब से वो आई थी मेरी मम्मी और दीदी कोई काम नहीं करती थी, बस मजे से सोती रहती थी और मजे करती रहती थी। आरुही पूरे घर के लिए खाना पीना बनाती थी और घर के सारे काम काज भी किया करती थी। काम करते करते तो उसकी हालत खराब हो जाती थी। मैं मम्मी से कहता था कि उसके साथ हाथ बटा दिया करो, तो वो कहती थी कि आरुही हमें कोई काम नहीं करने देती। इतना सुनकर आरुही आंखों में आंसू लिए बोली, मैं खुद इन्हें काम नहीं करने देती। एक दिन उसकी तबीयत खराब थी तो मैंने सोचा आरुही का हाथ बटा दूं। जैसे ही मैं छत पर गया तो सामने का दृश्य देखकर मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि हमारे मामा मामी गाँव में रहते थे। माँ से मिलने शहर बस में आ रहे थे कि उनकी बस पलट गई और बस के सारे मुसाफिर अपनी जान से हाथ धो बैठे। मेरे मामा मामी भी इस हादसे का शिकार हो गए थे। उनकी बस एक ही बेटी थी जिसका नाम आरुही था। मेरे माँ और पापा गांव गए थे उनका क्रियाकर्म करने के लिए, लेकिन जब वो वापस आए तो उनके साथ आरुही भी थी। वो मुझसे शायद एक दो साल बड़ी होगी। वो 17 साल की थी और मैं 15 साल का था। उसने हाथों में अपना छोटा सा बैग पकड़ा हुआ था और सिसकियों से रोए जा रही थी। बार बार मेरी माँ के गले लगकर कहती थी कि बुआ, मुझे माँ पापा क्यों अकेला छोड़कर चले गए। मेरी माँ उसे तसल्ली देने लगी, मेरी दीदी ने ही उसे खाना पीना जबरदस्ती खिलाया पिलाया था। वो तो गम में इस कदर निढाल थी कि कुछ खा भी नहीं रही थी। उसे देखकर मुझे दुख तो बहुत हो रहा था, लेकिन मैं बस कुछ हमदर्दी के शब्द ही बोल पाया था। मेरी दो बहनें भी थीं, एक की शादी हो चुकी थी और एक अभी कुंवारी थी। माँ उसके लिए रिश्ते देख रही थी। मैं सबसे छोटा था। कुछ दिन तो आरुही को सब तसल्ली देते रहे, फिर उसे दीदी कहने लगी कि इस तरह से तो तुम हर समय परेशान रहोगी, तुम्हें अपने आप को घर के कामों में व्यस्त कर लेना चाहिए। वो कहने लगी, मैं गाँव में पढ़ती थी, हमारे गाँव में कॉलेज भी थे, लेकिन किसी ने भी उसकी इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरी दीदी कहने लगी कि पढ़कर तुम्हें क्या करना है, घर के काम काज ही तो करने हैं। मेरी माँ भी कहने लगी कि मेरी दोनों बेटियाँ कमी पढ़ी लिखी हैं, एक की तो मैंने शादी कर दी, अब दूसरी का भी रिश्ता देख रही हूँ। हमारे यहाँ ज़्यादा पढ़ाई को अहमियत नहीं दी जाती थी, लड़की को तो बस घर के काम काज ही करने आने चाहिए। आरुही चुप हो गई थी, लेकिन उसे देख कर मुझे महसूस हुआ जैसे उसे पढ़ाई करने का बहुत शौक था। बहरहाल मैंने अपनी माँ से कहा कि आप इसे पढ़ने दे, अगर मामा मामी जिंदा होते तो इसे जरूर पढ़ाते। मेरी माँ मुझे डांटने लगी, तुम्हें इससे ज़्यादा हमदर्दी करने की ज़रूरत नहीं है, अरे लड़कियों को पढ़कर कौन सी नौकरी करनी होती है, तुम्हें अभी इन बातों का पता नहीं है। मैं अपनी माँ की बात सुनकर चुप सा हो गया था। धीरे धीरे घर के सारे काम आरुही करने लगी। मेरी दीदी उस पर रोब जमाने लगी थी, कहती थी कि घर के सारे लोगों का खाना अब आरुही ही बनाया करेगी और शाम की चाय की जिम्मेदारी भी आरुही के ऊपर ही डाल दी। वो कहती थी कि आरुही चाय अच्छी बनाती है। गर्मियां शुरू हो चुकी थी और हमारा रसोई घर छत पर बनाया गया था और दोनों टाइम खाना बनाने की जिम्मेदारी आरुही पर थी। वो खाना बनाने का सारा सामान लेकर छत पर चली जाती और जब वापस आती तो बेहाल हो जाती थी। नीचे आती तो खाना लगाना पड़ता था। सब लोग खाना खाते और अपने अपने कमरे में चले जाते। वो सबके जूठे बर्तन उठाती और किचन में रखकर धोने लगती थी। अभी बर्तन धोकर फ्री होती थी कि पापा उसे कहते कि आरुही बेटा एक गिलास पानी तो मेरा दवाई पकड़ा दो। वो पापा को दवाई देती और सारे घर का काम खत्म करती। तब तक रात के 11 या 11:30 बज जाते थे, तब जाकर उसके सोने की बारी आती थी। सुबह जब मैं कॉलेज जाने के लिए उठता था तो वही मुझे नाश्ता बनाकर देती थी, बाकी सब सो रहे होते थे। एक दिन आरुही मुझसे कहने लगी कि अपनी पुरानी किताबें मुझे दे देना। मैंने कहा तुम क्या करोगी। वो कहने लगी कि मैं भी पढ़ूंगी। मैंने कहा कि तुम्हारे पास तो टाइम नहीं होता है, तो वो कहने लगी टाइम मैं निकाल लूंगी, बस तुम अपनी पुरानी किताबें मुझे दे दो। मैंने उसे अपनी पुरानी किताबें दे दी, लेकिन मेरी माँ और दीदी एक मिनट भी उसे टिकने नहीं देती थी। एक बार मेरी दीदी को देखने कुछ लोग आए थे, लेकिन जब उन्होंने आरुही को देखा तो मेरी दीदी के बजाय आरुही का रिश्ता मांगने लगे। यह देखकर मेरी माँ को बहुत बुरा लगा था
और मेरी दीदी गुस्से से माथे पर बल डाले आरोही को बुरा भला कहने लगी और माँ से कहने लगी कि यह जानबूझकर उन लोगों के सामने आई थी ताकि अपने हुस्न के जलवे दिखा सके। माँ, जब तक यह इस घर में है मुझे नहीं लगता कि मेरा रिश्ता होगा। मैं वहीं बैठा था, अपने नोट्स तैयार कर रहा था। मैंने कहा, दीदी खुदा से डरो, क्यों इस बेचारी लड़की पर इल्ज़ाम लगा रही हो? मेरे सामने तुमने खुद ही इससे कहा था कि चाय लेकर अंदर आ जाना, और अब अगर वो आरोही को पसंद करके चले गए हैं तो तुम इस पर इल्ज़ाम लगा रही हो। मेरा यह कहना था कि दीदी मुझ पर ही गुस्सा करने लगी, कहने लगी तुम चुप रहो, तुम्हें क्या पता कि ये कितनी चालाक है। ये अच्छी तरह से मुंह धोकर आंखों में मोटा मोटा काजल लगाकर उन लोगों के सामने आई थी। मैंने कहा, दीदी घर में जब कोई मेहमान आता है तो सभी तैयार होते हैं। वो कहने लगी, तुम क्यों औरतों के मामले में बोल रहे हो? तुम्हें जब इस लड़की का पता ही नहीं है। तो मेरी माँ कहने लगी, तुम चुप नहीं रह सकते। खैर, जब तक तुम्हारी बहन की शादी ना हो जाए मैं आरोही की शादी थोड़ी करूँगी। इन्हीं दिनों मेरी बड़ी बहन प्रेग्नेंट हो गई थी, उसके ससुराल वालों ने भी उसे मायके भेज दिया था। मेरी बड़ी बहन तो बिस्तर से नीचे भी नहीं उतरती थी, पानी का गिलास भी आरोही से अपने बेड पर ही मंगवाती थी। कहती थी, डॉक्टर ने कहा है कि आराम करो और मैं यहाँ आराम करने के लिए आई हूँ। पूरा दिन आरोही काम करती रहती थी, कभी कोई आवाज़ लगाता तो कभी कोई आवाज़ देता। कभी माँ कहती मेरे पैरों की मालिश कर दो, कभी बड़ी बहन कहती कि मेरा सर दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है। इतना करने के बाद भी सब हर वक्त आरोही को बातें सुनाते रहते थे और काम भी करवाते थे। एक दिन मैं सो रहा था कि रात में किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। मैं उठकर बैठ गया, मैंने देखा तो आरोही की चारपाई खाली थी। मैं जब सिसकियों की आवाज़ का पता करते हुए स्टोर रूम तक पहुँचा तो देखा कि वो किताब अपने सामने रखे मोमबत्ती जलाए रो रही थी। मैंने कहा, तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रही हो, सोना नहीं है क्या? तो वो कहने लगी, पूरे बदन में बहुत दर्द है तो नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा, तो किताबें क्यों लेकर बैठी हो? वो कहने लगी, पूरा दिन टाइम ही नहीं मिलता, इसीलिए सोचा थोड़ा पढ़ लूँ। उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ था। मैंने जब उसकी नब्ज पर हाथ रखा तो वो तेज बुखार में तप रही थी। मैंने कहा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। वो कहने लगी, शायद यही वजह है कि मेरे पूरे जिस्म में बहुत दर्द है, सर्दी भी लग रही है। मैंने फ्रीज खोला और वहाँ से दूध का एक गिलास निकाला और आरोही को दे दिया। यह देखकर वो मुझे कुछ देर के लिए गौर से देखने लगी, फिर कहने लगी कि बुआ सुबह डांटेंगी कि दूध किसने पिया है। मैंने कहा कि मैं कह दूंगा कि मैंने पिया था, इस टाइम तुम्हें इसकी ज़रूरत है। मैंने उसे दूध पीने के लिए कहा और साथ में बुखार की दवा भी दी। वो दवा खाकर सो गई। सुबह सुबह सब आरोही आरोही आवाज़ें लगा रहे थे, लेकिन वो बुखार की वजह से उठ नहीं पा रही थी। मैं अपने कॉलेज चला गया। जब वापस आया तो उसे बर्तन धोते हुए देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। वो बार बार बर्तन धोते हुए आज दिन से अपने आंसू पोंछ रही थी। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो रात में बहुत तेज बुखार था। वो कहने लगी, बुखार तो था लेकिन क्या फर्क पड़ता है, काम तो करना है। मैंने कहा, क्यों नहीं फर्क पड़ता है? कोई भी हमारे घर में बीमार हो तो वो काम नहीं करता, तुम क्यों कर रही हो? चलो उठो यहाँ से। मैंने उसके हाथों पर पानी डाला जो कि झाग से भरे हुए थे, फिर उसका हाथ पकड़कर उसे चारपाई पर लिटा दिया। जब दीदी ने देखा तो कहने लगी, तुम इसे बिस्तर पर क्यों लिटा रहे हो? मैंने कहा, दीदी आपको दिखाई नहीं देता, आरोही को इतनी तेज बुखार है। वो कहने लगी, तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही इससे। मैंने कहा, जब आपको दिखाई नहीं दिया तो मुझे तो हमदर्दी करनी पड़ेगी ना। जब आपको बुखार होता है तो आप भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि तुम्हारी बड़ी जुबान चलने लगी है इसके लिए। तो मैंने कहा कि जी हाँ। खैर, कुछ देर बाद ही मेरी बड़ी बहन आरोही को आवाज़ें देने लगी। कहने लगी, आरोही की बच्ची बहरी हो गई है क्या? मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती, मुझे नाश्ता बना कर दो। मैं अपनी बड़ी बहन के कमरे में चला गया। वह बिस्तर पर लेटी फ़ोन पर अपने पति से बात कर रही थी। मैंने कहा, अब आपको ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है कि आप अपना नाश्ता तक नहीं बना सकती? वो कहने लगी कि क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? मैंने कहा, प्रेग्नेंट होना कोई बीमारी तो नहीं है। प्रेग्नेंट बहुत सी औरतें होती हैं, बल्कि शादी के बाद ज़्यादातर तो औरतें प्रेग्नेंट ही होती हैं।
तो घर के काम छोड़कर बिस्तर पर बैठ जाती हैं। मेरी बात सुनकर दीदी कहने लगी, तुम्हारी ज़्यादा जुबान नहीं चलने लगी, चलो जाओ और आरोही से कहो मुझे नाश्ता बना कर दे। मैंने कहा, वो आप लोगों की नौकरानी नहीं है, आरोही को बहुत तेज बुखार है, आप लोगों को जरा भी एहसास है उस लड़की का। इतने में मेरी माँ भी आ गई, वो कहने लगी, तुम्हें इतना क्यों एहसास हो रहा है? अरे सुबह मैंने उसे नाश्ते के बाद दवाई दे दी थी, बुखार उतर गया था। वो जरा से बुखार पर बहाने बनाकर लेट जाती है, और तुम ज़्यादा उससे हमदर्दियाँ ना दिखाया करो। मेरी माँ उल्टा मुझे ही डांटने लगी। मेरी छोटी बहन जो मुझसे बड़ी थी, वो कहने लगी, माँ इसको जरा संभाल कर रखे, इसे बड़ी हमदर्दी हो रही है आरोही से। आरोही बड़ी ही चलाक लड़की है, कहीं इसे अपनी अदाओं में ना फंसा ले। मैंने कहा, दीदी कुछ तो सोच समझ कर बात किया करो, मैं घर में सबसे छोटा था, इसीलिए मेरी बात की कोई अहमियत भी नहीं थी। उन लोगों ने बुखार में भी आरोही से सारे काम करवाए, यहाँ तक कि खाना भी वही बनाई थी। रात को जब वो खाना बनाने के लिए ऊपर छत पर गई तो थकान से चूर थी, बुखार से आँखों में बार बार पानी भर आ रहा था। शायद वो रो रही थी, जरूर अपनी किस्मत को कोस रही होगी कि अगर उसके माँ बाप जिंदा होते तो कभी भी उसकी ज़िंदगी ऐसे जहन्नुम नहीं बनी होती। मेरे मामी मामा तो उसका बहुत ख्याल रखते थे, अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, अपने माँ बाप की मोहब्बत की हकदार थी। मुझे याद आने लगा कि मामा मामी आरोही के कितने नखरे उठाते थे। एक गहरी ठंडी आह भरकर मैंने सोचा कि मुझे ही छत पर जाकर उसकी मदद करवानी चाहिए, किसी और को तो उस पर जरा भी तरस नहीं आता। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर गया तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़कर रह गए थे, क्योंकि वो चूल्हे के पास बेहोश पड़ी थी। यह देखकर मैं भागता हुआ उसके पास पहुंचा था, देखा तो तवे पर रोटी जल चुकी थी। मैं आरोही आरोही कहकर उसे उठाने लगा, लेकिन वो अपने होश आवास में नहीं थी। मैं छत से नीचे झाँककर माँ को बुलाने लगा, सभी छत पर आ गए थे। आरोही को बेहोश देखकर सब परेशान हो गए थे, कोई पानी की छींटे उसके मुंह पर मार रहा था तो कोई कुछ भी कर रहा था, लेकिन उसे होश नहीं आ रहा था। फिर दीदी और माँ उसे बड़ी मुश्किल से उठाकर नीचे ले गई, उसे चारपाई पर लेटा दिया, और वो बुखार से कांप रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बार बार कभी अपनी माँ को पुकारने लगती तो कभी अपने पापा को कहने लगती कि आप मुझे क्यों अकेला छोड़कर गए हैं, मुझे भी अपने साथ ले जाते। उसकी यह हालत देखकर मुझे तरस आ रहा था, लेकिन मेरे घर वालों के दिल में अभी भी उसके लिए कोई रहम नहीं आया था। माँ ने सुबह होते ही उसे कहा कि तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। कुछ दिन डॉक्टर की दवा खाने से वो ठीक हो गई थी, लेकिन फिर सारे के सारे काम उसके सर पर थे। वक्त ऐसे ही गुजरने लगा। छोटी बहन के लिए जो भी रिश्ता आता तो वो आरोही को देखते ही आरोही के लिए रिश्ता मांगने लगते। काफ़ी अच्छे घरानों से उसके लिए रिश्ते आ चुके थे, लेकिन मेरी माँ की वही जिद थी कि वो दीदी से पहले आरोही की शादी नहीं करेंगी। मेरी बड़ी बहन अपने घर जा चुकी थी। इन्हीं दिनों एक रिश्ते ने दीदी को पसंद कर लिया। मेरी माँ बहुत खुश थी और दीदी की शादी की तैयारियों में लग गई। सारी तैयारियाँ आरोही ने की थी, उसके जोड़े तक उसी ने टाके थे, कपड़ों में कढ़ाई तक माँ ने उससे ही करवाई थी। मुझे उस बेचारे पर बड़ा तरस आता था। अब तो उसकी आँखों के नीचे काले निशान पड़ने लगे थे, चेहरे की रंगत भी गोरी नहीं रही थी बल्कि पीली पड़ने लगी थी। पता नहीं कब तक उसके साथ यह जुल्म होना था। मैं यह सब कुछ ना चाहते हुए भी बर्दाश्त कर रहा था। मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मेरे दिल में आरोही के लिए एक अलग सी फीलिंग आने लगी थी। मुझे वो अच्छी लगने लगी थी। मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी कब प्यार में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। हालांकि वो मुझसे 2 साल बड़ी थी, लेकिन मैं उससे प्यार करने लगा था। मुझे इस बात का इंतजार था कि मैं पढ़ाई पूरी करके अपनी नौकरी कर लूँ तो पापा से कहूँगा कि वो मेरी शादी आरोही से करवा दे। जैसे ही मेरी पढ़ाई का सिलसिला ख़त्म हुआ, मेरी नौकरी भी लग गई। हमारे शहर से बस कुछ ही दूरी पर ही ऑफिस था, इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठकर जाता था और शाम को ऑफिस बंद होने के बाद ही रात तक वापस घर लौट आता था। एक बार जब मैं घर आया तो मेरी माँ ने मिठाई मेरे मुँह में डाल दी, कहने लगी, मुबारक हो, आरोही का रिश्ता तय हो गया है। यह सुनना था कि मुझे वो मिठाई जहर लगने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने मेरा हलक कड़वा कर दिया हो।
मैं हैरत से अपनी माँ को देखने लगा, लेकिन चुप हो गया कि उसका रिश्ता तय हो चुका है। हैरत मुझे उस वक्त हुई जब मुझे यह पता चला कि मेरी माँ ने जहाँ उसका रिश्ता तय किया है वो 50 साल का बुढ़ा है। उसकी बीवी मर चुकी थी, बच्चे जवान शादीशुदा थे और उसे संभालने वाला कोई नहीं था, इसीलिए मेरी माँ ने आरोही का रिश्ता उसके साथ तय कर दिया था। उस रात वो स्टोर रूम में ही रो रही थी, मैं भी बहुत परेशान था। जब मैं स्टोर रूम में गया तो वो मुझे देखकर और भी ज़्यादा रोने लगी। कहने लगी, अरुण मैं यहाँ शादी नहीं करना चाहती। मैंने कहा कि तुम रो मत, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करूँगा, मैं सुबह माँ से बात करूँगा। वो कहने लगी कि किसी भी तरह से मेरी शादी रुकवा दो, मुझे यहाँ शादी नहीं करनी। सुबह जब ये बात मैंने माँ से कही तो वो मुझे डांटने लगी, कहने लगी तुम घरेलू मामलों से दूर रहो। मैंने कहा ऐसी कौन सी बुराई और कमी है आरोही में कि आपने इसका रिश्ता एक बुढ़े से कर दिया है। वो कहने लगी कि अनाथ लड़कियों को ऐसे ही रिश्ते होते हैं। अरे शुक्र करो कि इस बुढ़े ने कोई एतराज नहीं किया, ज्यादा सवाल जवाब नहीं पूछे, और फिर उस बुढ़े को दहेज भी नहीं चाहिए, हम भला उसे इतना दहेज कहाँ से दे सकते हैं। मैंने कहा क्यों, जब आप बड़ी दीदी को और छोटी दीदी को पूरे दहेज के साथ विदा कर सकती हैं तो आरोही को क्यों नहीं। मेरी माँ कहने लगी तुम्हें क्यों इस लड़की की इतनी हमदर्दी होती है कि तुम अपनी बहन के साथ उसका कंपेयर कर रहे हो। अरे तुम्हारी बहनों के माता पिता जिंदा हैं, इसीलिए उन्हें दहेज दिया है। उनकी शादी धूमधाम से की गई, लेकिन आरोही के माँ बाप जिंदा थोड़ी हैं। मैंने कहा आरोही के हिस्से में आई हुई जमीन किसके पास है। मेरे सवाल पर मेरी माँ ने मेरी शक्ल देखी। मैंने कहा जरूर पापा के और आपके पास ही होगा, आप वो बेचकर उसका रिश्ता अच्छी जगह कर सकते हैं और उन पैसों से उसका दहेज भी खरीदा जा सकता है। मेरी माँ कहने लगी कि वो सब बेचकर हमने पैसे अपने पास रख लिए थे, कितने सालों से वो हमारे घर में खा पी रही थी, सुकून की जिंदगी गुजार रही थी, तो क्या इसमें खर्च नहीं हो रहा। यह सुनकर मुझे अपनी माँ की सोच पर अफसोस होने लगा। मैंने कहा माँ जो दो रोटियाँ वो इस घर में इतनी मेहनत के बाद खाती रही और भी आप उसको उसके बाप की कमाई से खिलाती रही हैं, कितने अफसोस की बात है। मैंने कहा अगर आपको आरोही को दहेज देने में इतनी ही परेशानी है तो ऐसा करे कि मेरी शादी आरोही से कर दे, आपको दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। यह सुनना था कि मेरी माँ मुझे डांटने लगी, कहने लगी मैं क्यों तुम्हारी शादी किसी अनाथ लड़की से करने लगी। मैंने कहा अगर आप सीधी तरह से नहीं करेंगे तो फिर मैं जबरदस्ती जाकर उससे शादी कर लूँगा, क्योंकि वो भी बालिग है और मैं भी बालिग हूँ। यह बात मैंने अपने पापा से भी कह दी, मेरे पापा को इस बात पर कोई एतराज नहीं था। मेरी दीदी ने मेरी माँ को भी राजी कर लिया कि अच्छा है, आरोही सारी जिंदगी हमारी नौकरानी बनकर रहेगी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि मेरा क्या इरादा है। मेरे पापा ने जब मेरा रिश्ता आरोही से तय किया तो वो हैरत से मुझे देख रही थी, अब वो मुझसे बात नहीं करती थी बल्कि मुझे देखते ही स्टोर रूम में चली जाती थी। 1 महीने बाद मेरे पापा ने मेरी शादी उससे कर दी। इन दिनों मुझे एक और बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। शादी की रात आरोही बड़ी नर्वस थी, बस यह कहने लगी कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, मैं तो तुमसे 2 साल बड़ी थी। मैंने कहा तो क्या हुआ, हमारी शादी तो हो सकती थी। वो कहने लगी शायद तुमने मुझसे हमदर्दी के नाते यह कदम उठाया है। मैंने कहा क्यों, मैं ऐसा क्यों करूँगा, तुम खूबसूरत हो, सलीकेमंद हो और बहुत अच्छी हो। मैं खुद को खुश नसीब समझता हूँ कि पापा ने मेरी बात रख ली। वो कहने लगी अगर फूफा जी नहीं मानते तो तुम क्या करते। मैंने कहा उन्हें और ज़्यादा मनाने की कोशिश करता, और अगर फिर भी नहीं मानते तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर कोर्ट में ले जाता और तुमसे शादी कर लेता, फिर सबको मानना ही पड़ता। मेरी बात सुनकर पहली बार वो हंसी थी, मैंने पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी। वो कहने लगी क्या सच में तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो। मैंने कहा बहुत मोहब्बत करता हूँ और करता रहूँगा। वो कहने लगी लेकिन मेरी ज़िंदगी तो वैसे की वैसे ही रह जाएगी, जानते हो बुआ और दीदी क्या कह रही थी। वो कह रही थी कि अब तो आरोही हमारे घर में ही रहेगी, सारी ज़िंदगी हमारी खिदमत करेगी और आरुण शहर में नौकरी करेगा। मैंने कहा जो कहता है उन्हें कहने दो, मैं जो सोच चुका हूँ वो मैं करूँगा। शादी के 1 महीने तक तो मैंने कुछ नहीं कहा। शादी के बाद आरोही के बस 2 दिन ही नखरे उठाए गए थे। 1 महीने बाद मैंने अपने पापा से कहा कि
मैं शहर में जहाँ मेरी नौकरी लगी है वहाँ से रोज रोज यहाँ आना मेरे लिए मुश्किल है। मेरी माँ कहने लगी, हाँ तो कोई बात नहीं, तुम हफ्ते में एक बार चक्कर लगा लिया करना। मैंने कहा, नहीं माँ, हफ्ते में एक बार आना भी मुश्किल है, मैं बस महीने में एक आधा चक्कर ही लगा सकता हूँ। मेरी माँ कहने लगी, चलो ठीक है, जाहिर है तुम्हें नौकरी तो करनी है। मैंने कहा, मैं अपने साथ अपनी बीबी को भी लेकर जाना चाहता हूँ। इस बात पर मेरी माँ को क्या, पूरे घर वालों को इतराज होने लगा, लेकिन मैंने किसी का भी इतराज नहीं सुना था। मैं जबरदस्ती आरोही को अपने साथ शहर ले गया। वो बहुत खुश थी। हमारा छोटा सा घर था जिसे आरोही ने बड़े सलीके से सजाया था। मुझसे कहती थी कि अरुण, तुमने मेरी जिंदगी को जन्नत बना दिया है। लेकिन सच तो यह था कि जन्नत तो उसने मेरी जिंदगी को बना दिया था। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरे ख्याल से मर्द को अपनी बीबी के लिए ऐसा कदम तो उठा लेना चाहिए, इसमें कोई हर्ज की बात तो नहीं होती। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।